क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने साथ एक पोर्टेबल एसी ले जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन गाजियाबाद के युवा इंजीनियरों ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। हाँ, आपने सही सुना। इस भीषण गर्मी में जब बाहर का तापमान आसमान छू रहा है, घर में एसी और कूलर का आनंद तो सब लेते हैं, लेकिन बाहर का क्या? अब चिंता छोड़िए और तैयार हो जाइए अपने निजी पोर्टेबल एसी के साथ सफर करने के लिए। गाजियाबाद के हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने पेल्टियर प्रभाव पर आधारित एक थर्मो कूलिंग सिस्टम तैयार किया है। इस क्रांतिकारी खोज के बारे में सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड है पेल्टियर इफेक्ट पे। पेल्टियर मॉड्यूल के इफेक्ट है एक साइंटिस्ट के पेल्टियर, उन्होंने पेल्टियर इफेक्ट किया था, उसके बेस पे है ये थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग सिस्टम। इसमें ये है कि हमने पेल्टियर मॉड्यूल यूज किया है, थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है, कंप्रेसर लेस रेफ्रिजरेंट सिस्टम बनाया है हम लोगों ने। इसमें ऐसा है कि हम लोग सोलर सन से रेज ले रहे हैं, उसको बैटरी में स्टोर कर रहे हैं डायोड के थ्रू, देन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू दिस फंक्शन। आफ्टर दैट पेल्टियर इफेक्ट पेल्टियर मॉड्यूल प्रोवाइड कूलिंग टू द सराउंडिंग। पेल्टियर प्रभाव क्या है? दरअसल जब दो कंडक्टरों से बनी सामग्री के एक हिस्से को ठंडा और दूसरे हिस्से को गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं, और इसी प्रभाव का उपयोग करके हमारे युवा इंजीनियरों ने इस अद्भुत डिवाइस का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट की प्रमुख सदस्य हर्षिता बताती हैं कि यह डिवाइस सूरज की किरणों को लेकर उन्हें बिजली में तब्दील करती है और फिर बाहर के तापमान को ठंडी हवाओं में बदल देती है। इस परियोजना में हर्षिता के साथ धर्मराज, मोहित और योगेंद्र भी शामिल हैं। अगर ये सक्सेसफुल बन गया, मार्केट में आ गया, तो काफी यूजफुल है इसमें, क्योंकि इको फ्रेंडली है ये। इसमें कोई भी गैसेस नहीं यूज हो रही हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट देंगे, और पोर्टेबल है, सो कहीं पे भी अगर हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। प्रोजेक्ट में चार लोगों की टीम है, मैं, धर्मराज, योगेंद्र एंड मोहित से। हम लोगों को बनाने में अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स लगे हैं इसको। इसमें डिजाइनिंग का वर्क मेरा रहा है, कॉस्टिंग का सर धर्मराज का रहा है, और मार्केटिंग का इनका रहा है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन का मोहित करा है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी चुनौती थी इसका सेटल टाइम, जिसे कम करके इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बैटरी बैकअप को बढ़ाया गया, और नतीजा एक इको फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली पोर्टेबल एसी जो किसी भी जहरीली गैस का उपयोग नहीं करता। इस डिवाइस की कास्टिंग केवल 5,600 रुपए में हुई है, और यह बाहर के तापमान से 10 से 12 डिग्री ठंडा कर सकता है। थोड़े और काम के बाद यह मार्केट में आने के लिए तैयार होगा। इसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेट 5,600 अप्रोक्सीमेट आई है। इसमें 10 इंच का बॉक्स आया, सोलर पैनल आया, बैटरी आया, इसको मिलाकर के ओवरऑल कॉस्ट। ये इको फ्रेंडली है जैसे कि मैंने ही बताया था, और इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, लो प्राइस है, और इसकी कूलिंग, इसमें कोई गैसेस नहीं यूज होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को, और पोर्टेबल है, कहीं भी हम इजीली ले जा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप गर्मी से बचने के लिए बाहर निकलें, याद रखें अब आप अपने साथ एक छोटा एसी भी लेकर चल सकते हैं। लोकल 18 के लिए गाजियाबाद से विशाल झा की रिपोर्ट।